ऑल राइट गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को सीवी एडिटिंग सिखाऊंगा। लेकिन गाइस, इस सीवी एडिटिंग के अंदर मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके मदद से आप लोग वन क्लिक में बैकग्राउंड को इरेज कर पाओगे। गाइस, अगर आप लोग सीवी एडिटिंग करते हो तो आप लोगों को पता है बैकग्राउंड इरेज करना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गाइस अगर आप लोग अच्छे से बैकग्राउंड को इरेज नहीं करोगे तो आपका जो सीवी एडिटिंग है बहुत ही बेकार लगता है। गाइस, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखो, मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके मदद से आप लोग प्रोफेशनल तरीके से सीवी एडिटिंग कर पाओगे। वीडियो को फुल वॉच करो एंड वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल बने तो सब्सक्राइब करो एंड पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो। सो गाइस, चले चलते कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, स्टेप नंबर वन, सबसे पहले फोटो का बैकग्राउंड को आप लोगों को इरेज करना है। तो बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए मैं आप लोगों को आज एक न्यू ट्रिक बताऊंगा जिसके मदद से आप लोग वन क्लिक में बहुत ही बेहतरीन बैकग्राउंड को इरेज कर पाओगे। गाइस, मैं एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन लिंक पर, उस वेबसाइट के अंदर आप लोगों को प्रेस करना है एंड प्रेस करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर से क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में कर देना है एंड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फाइल अपलोड, यहाँ पर बोल रहा है अपलोड फाइल, और इसके अंदर आप लोगों को प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आप लोगों को जिस फोटो का बैकग्राउंड इरेज करना है उस फोटो को इनपुट कर लेना है। जैसे कि मैं इस फोटो का बैकग्राउंड इरेज करूँगा तो मैं इनपुट कर लिया, यहाँ पर फुल HD में बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा आपका। एंड आप लोग देख सकते हो नीचे रिमूव बैकग्राउंड नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर आप लोगों को प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद गाइस आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लोगे तो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर आपका नेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट है तो बहुत ही जल्दी होगा, अगर नेट स्लो है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ। गाइस, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड ऑटोमेटिक यहाँ पर इरेज हो चुका है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से इरेज हुआ है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि फोटोशॉप में यहाँ पर मैनुअल तरीके से हम लोग करते हैं, इस तरीके का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग इस फोटो को किसी भी बैकग्राउंड के अंदर लगा सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड है, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा गाइस, मैं PNG में सेव करूँगा। तो आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है, टैप करने के बाद गाइस यहाँ पर अप्लाई या यहाँ पर अप्लाई कर देना है और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो JPG एंड PNG दो ऑप्शन आ चुका है एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फुल HD में फोटो सेव होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 116 MB यहाँ पर जो साइज है फोटो का, ठीक है। सो यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन है, इसके अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपका जो फाइल है डाउनलोड या सेव हो चुका है आपके गैलरी में, डाउनलोड एंड फोटो सेव हो चुका है, ठीक है। गाइस, आप लोगों को मैं बताऊंगा आप लोग कैसे CV टाइप का एडिटिंग कर सकते हो ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, ठीक है। बैकग्राउंड तो कार्ड में कर लिया, आप CV एडिटिंग सिखाऊंगा। सो गाइस, चलिए ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। गाइस, ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है, फ्री में आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाओ, वहाँ से आप लोग बहुत इजीली डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। सो गाइस, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है या शेयर करना है आप लोगों को। शेयर करने के बाद आप लोगों को ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर शेयर कर लेना है बैकग्राउंड को। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर बैकग्राउंड शेयर हो चुका है। आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इनपुट इमेज पर टैप करके यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जिस फोटो को अभी अभी सेव किया PNG में, ठीक है। सो गाइस, यहाँ से मैं जो फोटो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस कितने इजी तरीके से हो चुका है एंड कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ एंड राइट क्लिक करूँगा। करने के बाद आप लोग देख सकते हो हेयर, एक एक हेयर यहाँ पर काट हो चुका है, यानी एक एक हेयर आप लोग देख सकते हो बहुत ही इजीली काट हो चुका है। एंड यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम लोग रिमूव करेंगे, जो यहाँ पर जो हार्ड इरेजर ब्रश है इसको सिलेक्ट करके रिमूव बहुत ही इजीली कर पाओगे, ठीक है। सो बाद में रिमूव कर लेना आप लोग, मैं कर लेता हूँ रिमूव, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेना है आप लोगों को। रिमूव करने के बाद आप लोगों को आप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप यहाँ पर हेयर को बनाना है। तो गाइस, हेयर को बनाने के लिए आप लोगों को फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ से गाइस आप लोगों को लाइब्रेरी और उसके बाद ऊपर स्वाइप कीजिए और इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग को ओपन कीजिए, कुछ इस तरीके से सेटिंग को रखना है और साइज को, ठीक है, आप जूम कर लेना है। जूम करने के बाद कुछ इस तरीके से पेंट करना है हेयर के अंदर, ठीक है। सो गाइस, धीरे धीरे पेंट करना है तभी जो हेयर है अच्छा बन पाएगा एंड रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। सो मैं हेयर को बना लेता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को फेस को स्मूथ करना सिखाऊंगा, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं कितने इजी तरीके से हेयर को बना रहा हूँ एंड रियलिस्टिक हेयर लग रहा है जैसे कि CV एडिटिंग में होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, ऐसा ट्रिक शायद पहली बार देख रहे होंगे क्योंकि गाइस इस तरीके का ट्रिक में एडिटिंग कोई नहीं सिखाता है।
एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फोटोशॉप में एडिटिंग करके आप लोगों को दिखाता है कि ऐसा एडिटिंग कर दिया ऐसा एडिटिंग कर दिया, लेकिन रियलिस्टिक आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को मैं बताऊँगा कैसे फेस को स्मूथ कर सकते हो। फेस को स्मूथ करने के लिए आप लोगों को फिर से यहाँ पर लाइब्रेरी को ओपन कर लेना है और उसके बाद इस वाले टूल्स को ओपन करके सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को कुछ इस तरीके से रख के आप जूम कर लेना है एंड फेस के अंदर कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है, फेस स्मूथ हो जाएगा। गाइस इस फोटो का फेस मैं पहले से स्मूथ करके रखा हूँ, अगर यहाँ पर आप लोग धीरे धीरे करोगे तो बहुत ही अच्छे से फेस को स्मूथ कर सकते हो इसी टूल्स के मदद से, ठीक है। सो गाइस आप लोगों को मैं रिटच करना सिखाऊंगा। सो इस फोटो को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद चलिए स्नैपसीड ऐप के अंदर, ठीक है, वन क्लिक में मैं आप लोगों को रिटचिंग करके दिखाता हूँ। सो गाइस चलिए स्नैपसीड ऐप के अंदर। गाइस जैसे कि मैं फोटो को सेव कर लिया एंड स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को पॉपअप वाले फिल्टर को यूज़ कर लेना है। करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो वन क्लिक में सीवी टाइप का इफेक्ट आ चुका है। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, करने के बाद टूल्स वाले ऑप्शन पोर्ट्रेट, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लीजिए, यहाँ पर फेस को थोड़ा सा वाइट कर लीजिए और भी और स्मूथ, ठीक है। और उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ से टोन इमेज पर जाना है एंड यहाँ से सैचुरेशन को माइनस की तरफ करना है, और जो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसको माइनस की तरफ करना है, हाईलाइट को माइनस की तरफ करना है, शेडो को हाई कर देना है थोड़ा सा, राइट क्लिक कीजिए। करने के बाद गाइस डिटेल्स को हाई कर देना है एंड शार्पनेस को हाई कर देना है एंड आपका जो फोटो है आप लोग देख सकते हो कितने क्वालिटी एंड कितने रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। सो गाइस ये ट्रिक जानकर आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताओ, और भी ऐसे ट्रिक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।